मुरादाबाद के बुद्धविहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर ने पहुंचकर सभी को सम्मानित किया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत की ओर आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर एवं क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल, हरिओम शर्मा, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, सुरेश सैनी ने जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली सिंह एवं 6 ब्लॉक प्रमुखों जिनमें छजलैट ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह, मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह, डलारी ब्लॉक प्रमुख पूनम चौधरी, बिलारी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी, भगतपुर टांडा ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि हम सब जिले की सरकार हैं, हम सभी को मिलकर काम करना है तथा सभी को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की पद्धति पर काम करना है। उनके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्षा तथा सभी 6 ब्लॉक प्रमुखों के अभिनंदन समारोह में कहा कि सभी को एकजुटता के साथ 2022 के चुनाव में अभी से लग जाना है तथा जैसे हमारी सरकार को 2017 में जनता का पूर्ण समर्थन मिला था, उससे अधिक समर्थन 2022 में मिलेगा। इसी क्रम में क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षा को तथा 6 ब्लॉक प्रमुखों को मोदी जी और योगी जी की नीतियों को गांव-गांव, गलियों-गलियों में ले जाकर बताना होगा, जिससे हमारी सरकार जन-जन तक पहुंच सके। क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने सभी के स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में कहा कि आज हमें पहले से ज्यादा कार्य करने की जरूरत है तथा मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करते हुए सबका साथ सबका विकास करते चलना है, जिससे हमें 2022 के चुनाव में 300 से पार बहुमत मिले। अंतिम क्षणों में जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने जिला प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर तथा सभी अतिथियों एवं पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्ष तथा सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रस्तुत किया और कहा कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध सबसे पहले मुरादाबाद जिले में हुआ है, जिससे मुरादाबाद जिले का नाम प्रदेश में सर्वप्रथम स्थान पर है तथा 3 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनाकर तथा 3 ब्लॉक प्रमुख का चुनाव एक तरफा होकर हमने जिले में 6 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनाए हैं। अतः सभी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर काम करना है तथा 2022 का चुनाव बंपर जीत के साथ हमें जीतना है। आज के अभिनंदन कार्यक्रम में जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, कमल प्रजापति, हरज्ञान सिंह, चंद्रपाल सैनी, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, महानगर मीडिया प्रभारी राहुल शेट्टी, जिला मंत्री अभिषेक सिंह निशु, महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, दिनेश शीशवाल, आदेश चौधरी, गीता शर्मा, डॉक्टर राम किशोर सिंह, जीवन सिंह पाल, आकाश पाल, डॉक्टर विश्वास शर्मा, रंजीत ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, सचिन चौधरी, अनूप सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने इस स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे पहले पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती। जब रिजल्ट आए, जब परिणाम आए, तो पूरे प्रदेश में बहस हुई, टीवी चैनल पर बहस छिड़ी कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात को छिपा गया, आज भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं कि जहां ब्लॉक प्रमुख के हमारे 2 उम्मीदवार हैं वहां रिक्त सीटें हमने छोड़ी और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हमारे हैं कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव जीत गया, उनको निर्दलीय मीडिया के लोगों ने दिखाया, विपक्ष के लोगों ने निर्दलीय बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ऑफिशियल प्रत्याशी जीत के आए उसके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए उसमें भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए। नहीं तो आज भ्रम की स्थिति है, कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनसे पूछ लेना जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं जीत के आए जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, अगर नहीं जीत के आते तो आज उत्तर प्रदेश में 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के।